कुछ कर दिखाना है 2019 के चुनाव में, अपना वजूद दिखाना है, मुस्लिम आमदार खासदार बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए और इसके फायदे क्या होंगे? हम राजकारण में आए तो ही अपने हक के लिए आवाज उठा सकेंगे और अपने जुल्म के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी आवाज सरकार के आगे नहीं रखेंगे, तब तक सरकार अपने को कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए हमें एक होकर आपसी दुश्मनी खत्म करके अपना आमदार कैसे हो, इसलिए सोचना चाहिए। और अब जरूरी है, अब गुलाम होना बंद करो, अपक्ष लड़ो, पार्टी से लड़ो, कहीं से भी लड़ो, लेकिन अपने लोगों को मत भूलो। खुद के घर भरना बंद करो, एक ही बनेगी तो 100% जीत कराओगे। मुस्लिम बहुल एरियाज में सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए, अपने दो या तीन उम्मीदवार रुकते हैं तो फायदा दूसरों को होगा। इसलिए आपसी सलाह मशवरा करके एक आमदार या एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए और इसके पीछे पूरी ताकत से हमारी कौम खड़ी रहे। सबको पता है मशवरे में खैर है, मशवरे को संघ बीजेपी ने अपना लिया है, लेकिन हम गाफिल है। मशवरे में ही तय हुआ था कि वरिष्ठ नेता अडवाणी पीएम नहीं बनेंगे, मोदी को पीएम बनाया जाएगा। अडवाणी के जगह कोई मुस्लिम होता तो जरूर बगावत कर देता, क्योंकि हम मशवरे से गाफिल हो चुके हैं, हम अपने मशवरे को भूल चुके हैं। उम्मीदवार ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, कौम के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता हो और कौम को साथ लेकर फैसले लेने वाला हो। उम्मीदवार सभी मजहबों की, सभी धार्मिक देवी देवताओं की और सभी मजहबी लोगों की इज्जत करने वाला हो। हर चौक, हर मोहल्ले, गली में मीटिंग लेना शुरू कर देनी चाहिए। हर मस्जिद के मौलाना, सदर, गुरु, फाउंडेशन, राजकारणी लोग, इनसे बात की जाए और 2019 की तैयारी की जाए। और इसी तरीके से अपने अपने इलाके में ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, इस चुनाव में भी इसी तैयारी से अगर हम कुछ करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कुछ करने की ताकत हम में आ जाएगी और हम राजकारण में सबसे आगे आएंगे। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करें। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, ये भी एक सवाल है। हर इंसान कहता है सियासत में ज्यादा बुरे लोग हैं, और जब सियासत में अच्छे लोग आना चाहते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों? फिर लोग कहते हैं पैसा खाने आ रहे होंगे, पॉलिटिक्स में कोई पैसा दे रहा होगा, खड़े रहने को पैसा मिल रहा होगा, किसी से पैसा खाए होंगे, वगैरह वगैरह। सच्चे लोग पॉलिटिक्स में पहले तो आते नहीं, और आए तो अच्छे लोग सपोर्ट करते नहीं, पीछे तरह तरह की बातें करते हैं, खुद आगे आते नहीं। और कोई अच्छा इंसान आगे आना चाहता है तो उसकी इतनी बुराई करते हैं, इतना बदनाम करते हैं कि उसे भी राजनीति और अपने ही लोगों से नफरत हो जाती है, और फिर वह बेचारा आखिर बेजार होकर अपने कदम पीछे वापस लेने को मजबूर हो जाता है। और किसी अच्छे इंसान को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम बदनाम तो मत करो। ये जो सारी बातें हैं हम हमारे दिल से नहीं कहते हैं, इसमें से कई चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, और ऐसी भी कई है जो जिसका हमने सर्वे किया है और हम हर जगह एरियाज में जाकर हम बातचीत करते हैं, जिससे ये तर्क निकलता है हम वही आपको बताते हैं। अगर आपके पास भी कोई अच्छा तर्क हो, अच्छा विकल्प हो तो हमें जरूर बताएं, हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।